एवन पंजाबी की नई अपडेट जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और एवन पंजाबी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। लक्ष्य समाधान का आप सभी जानते हैं, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कच्छ हो या कोहिमा, भारत के किसी भी कोने में आप रहते हों, लेकिन आप समस्याओं से मुक्त होकर एक समाधान युक्त जीवन जिएं, दुखों से मुक्त होकर खुशहाली भरा जीवन जिएं। और हम हमेशा कहते हैं कि ये समाधान एक परिवार है। यदि शरीर के किसी अंग में कोई तकलीफ होती है तो वो तकलीफ केवल उस अंग की नहीं होती बल्कि सारे शरीर की होती है। वैसे ही यदि आपके पास तकलीफ है तो हम सुखमय जीवन कैसे जी सकते हैं? हमारा पूरा भारतवर्ष एक परिवार है और यदि परिवार में कोई भी सदस्य दुखी है तो उसका दुख हमारा दुख है। इसी लक्ष्य को लेकर समाधान कार्यक्रम की शुरुआत हुई है कि आप अपनी समस्याएं, अपनी बातें हम तक पहुंचाएं ताकि हम एक समस्या मुक्त, स्वच्छ, स्वस्थ, एक आनंददायी समाज, एक आनंददायी भारतवर्ष का निर्माण कर सकें। इसी हेतु आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने प्रश्न, अपनी बातें यहाँ तक पहुँचाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। उन्हीं बातों को लेकर के आज पुनः हम चर्चा करेंगे समाधान कार्यक्रम में आदरणीय सूर्य भाई जी के साथ। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं। प्रातः जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स प्रातः जी। जैसे बात कही जाती है कि शरीर के किसी भी अंग में कोई तकलीफ होती है तो तकलीफ वास्तव में पूरे शरीर की होती है, और यदि समाज में, हमारे देश में किसी भी कोने में कोई भी है, समस्या से ग्रस्त है, तो वास्तव में यदि वो तकलीफ हम अपनी तकलीफ मानते हैं तभी उसके निदान को हम उन तक पहुँचा पाते हैं। न केवल भारत में बल्कि सारे संसार में। बिल्कुल, क्योंकि सारा संसार ही एक परिवार है और शिव बाबा ने हमें ज्ञान देकर हमारे लेवल को काफ़ी ऊंचा उठाया है और कहा है संसार में किसी व्यक्ति को दुख, अशांति हो, टेंशन हो, समस्याएं हो, आप अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देकर उनकी मदद करो। तो जहां हम मुख के द्वारा ज्ञान देकर, समाधान सुझाकर दूसरों की मदद करते हैं, वहीं एक बहुत अच्छी विधि है कि हम बहुत अच्छे वाइब्रेशंस भी दूसरों को दें। और राजयोग में ये विधि बहुत अच्छी सिखाई जाती है। इस विधि से हम दूसरों को उनकी समस्याओं से उबारने के लिए काफ़ी अच्छी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, तो राजयोग का अभ्यास भी सारे संसार की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। और संभवतः संसार में जितने भी सेवा केंद्र हैं ब्रह्मा कुमारी इसके, वहाँ पर जो राजयोग का अभ्यास करते हैं वहाँ आने वाले भाई बहनें इसी लक्ष्य से करते हैं कि सभी के जीवन से समस्याएँ दूर हो जाएँ, समाप्त हो जाएँ। बिल्कुल, जितना हम योग अभ्यास करेंगे तो हमारे वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलेंगे जी। और उन वाइब्रेशंस को अगर हम फोकस कर दें किसी विशेष वर्ग की तरफ, मान लो हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं जी। और वो बहुत दुखी हैं और हम उनकी ओर फोकस कर दें उसका, तो ये वाइब्रेशंस उनको जाने लगेंगे और उनको मदद मिलने लगेगी। बिल्कुल, तो भ्राता जी ये सुंदर अभ्यास ब्रह्मा कुमारी इसके सभी भाई बहने करते हैं, ये सारे संसार के लिए गुप्त मदद है। लोग तो प्रत्यक्ष में मदद करते हैं, किसी को कंबल दे दिया, किसी को धन दे दिया, किसी को अन्न दे दिया, लेकिन मानसिक रूप से जो परेशानी है लोगों के मन में, उसमें मदद करना अपने योग के माध्यम से, सचमुच ये बहुत बड़ा पुण्य और बहुत बड़ी मदद है। एक्चुअली तो यही कहा जाएगा कि जो जितना अच्छा योग अभ्यास कर रहे हैं, मान लो कोई 2 घंटे योग अभ्यास करते हैं तो उनके वाइब्रेशंस जैसे ही संसार की पालना करते हैं, तो हम एक जगह पर बैठकर संसार की पालना कर रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म बात है और ये बहुत मनुष्यों को सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल प्रता जी, मैं आपको मेल्स की ओर लिए आता हूँ। इसमें ये मेल हमारे पास आया है कोलकाता से। नंदिनी जी कहती हैं कि मैं 4 साल से इस ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़ी हुई हूँ और मेरे पति मुझे पूरा सहयोग देते हैं। अभी बिजनेस में कुछ लॉस होने के कारण चुप चुप रहते हैं, परेशान रहते हैं। मैं इस विषय में बात भी करना चाहती हूँ तो मुझसे बात नहीं करते। मेरी 9 साल की बड़ी बेटी पढ़ाई में ध्यान नहीं देती और कई बार बहुत रूड बिहेव करती है। इन सब से घर का वातावरण बहुत बोझिल बोझिल सा रहने लगा है, क्या करें? हाँ, पहला काम तो इन्हें, नंदिनी को यही करना पड़ेगा कि घर के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाएं, ताकि भाई भी जब घर में आए इनका पति जी, तो वो रिलैक्स फील करे। उसके ऊपर जो लॉस की एक छाया,
जो उसकी खुशी को नष्ट कर रही है उससे वो बाहर निकल जाए और उसको ये आभास होने लगे कि ये दिन जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगे, जल्द ही ये लॉस का जो पीरियड है प्रॉफिट के पीरियड में बदल जाएगा। बिजनेस में ये सब होता रहता है, कभी हम नीचे हैं कभी ऊपर हैं। तो नंदिनी महन को घर में, क्योंकि ये राजयोग सीख चुकी हैं और ये अभ्यास करती हैं, तो अपने घर में कम से कम 15-15 मिनट 3 बार बैठकर योग अभ्यास करेंगी, क्योंकि ये घर में रहती हैं। तो इसकी बच्ची पर भी उसका वेरी गुड एंड पॉजिटिव इफेक्ट होगा और पति भी बहुत अपने को रिलैक्स फील करेगा। मैं बता देता हूँ ये बहुत गृहिणियों के लिए जिनके घरों में ऐसी समस्या है, या वो ये चाहती हैं कि उनके घरों में ऐसी समस्याएं आए नहीं, कामकाज भी बहुत अच्छा चले, परिवार बहुत सुखद रहे, न बीमारियाँ आए, न कोई ब्लैक एनर्जी का इफेक्ट हो, और बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ाई में परफॉर्मेंस करें और उनका व्यवहार अच्छा हो, वो इरिटेट भी ना हो, वो किसी और के प्यार की ओर भी आकर्षित ना हो। तो 3 बार 15-15 मिनट मेडिटेशन करना है। जैसे एक कर लें सवेरे के किसी भी टाइम, 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, एक कर लें नाश्ते के बाद कोई भी टाइम दोपहर तक, और एक इवनिंग के टाइम 6 से 8 के बीच में 15-15 मिनट मिनिमम। अगर कोई थोड़ा और समय दे सके, आधा आधा घंटा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उस 3 तरह के मेडिटेशन की विधि मैं अपने दर्शकों के समक्ष रख रहा हूँ। तो मैंने ऐसा देखा कि जिन्होंने आज तक ये अभ्यास किए हैं उनके घर का माहौल बहुत सुंदर हो गया। मुझे कई माताएं सुनाती हैं कि हमने तो ये बहुत दिन से प्रारंभ कर दिया है, 15-15 मिनट हम करते हैं, हमें योग अभ्यास करने की रुचि बहुत रहती है, हमारा मन भटकना भी बंद हो गया है, और इससे घर के माहौल में बहुत खुशहाली हमें फील होती है कि हमारे घर में सब कुछ बदल गया है। तो पहले 15 मिनट कैसे करेंगे, लक्ष्य रख लें, मुझे अपने घर में शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं जी। अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, परमात्मा मेरे परम पिता शांति के सागर हैं, उनकी शांति की किरणें मुझे आ रही हैं और मुझसे आत्मा से और अंग अंग से पूरे घर में फैल रही हैं। इस संकल्प को रिपीट भी कर सकते हैं और ये विजुअलाइज करें, ये फील करें, पूरा घर शांति की किरणों से भरता जा रहा है। दूसरी बार दोपहर के समय कभी भी संकल्प कर लें, मुझे अपने घर में प्योरिटी की तरंगे फैलानी हैं, और अभ्यास कर लें, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, या मैं पवित्रता की देवी हूँ, या मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, परम धाम में महाज्योति हमारे परम पिता पवित्रता के सागर, उनकी पवित्र किरणें सफ़ेद किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे चारों ओर पूरे घर में फैल रही हैं, जैसे पूरा घर सफ़ेद किरणों से भर गया है। दूसरा अभ्यास, तीसरा इवनिंग में संकल्प करें, मुझे अपने घर में शक्तियों की किरणें फैलानी हैं, अभ्यास करें, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या माइट हाउस हूँ, फिर ऊपर शिव बाबा सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों की लाल किरणें मुझे आ रही हैं, मुझसे पूरे घर में फैल रही हैं, पूरा घर जैसे शक्तियों के वाइब्रेशन से भर गया है। ये 3 बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से चमत्कारिक अनुभव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुंदर अभ्यास करके नंदिनी बोस जी जो कोलकाता से हैं, निश्चित रूप से अपने घर के बोझिल वातावरण को दूर कर सकती हैं, क्योंकि जब कभी घर में बोझिल वातावरण होता है उनके लिए भी रहना मुश्किल हो जाता है, और जब दूसरे भी आते हैं तब भी वो आनंद का अनुभव नहीं करते, निश्चित रूप से मन पर इसका बुरा इफेक्ट आता है, खुशी नहीं रहती, और उसको ये सूझता नहीं कि आखिर इससे बाहर कैसे निकले। ब्राता जी, हमारे पास एक फोन कॉल आया था जिसमें राजनांदगांव से सुदर्शन साहू जी ने प्रश्न किया था कि 84 लाख योनियां होती हैं ऐसा हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप ब्रह्म कुमारी इस 84 जन्म की ही बात करते हैं, क्या मनुष्य अन्य योनियों में जन्म नहीं लेता? ये सुदर्शन साहू जी हैं राजनांदगांव से। बड़ा अच्छा प्रश्न है और इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी भी चाहिए, बहुत सारी बातें हम इसमें कह सकते हैं। देखिए, ये शब्द था 84 लाख जी, लख संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ है देखना, यानी अपने 84 जन्मों को देखो, उन्हें जानो। बाद में मनुष्यों ने मनुष्य को पाप कर्म से बचाने के लिए
ये एक सिद्धांत प्रचलित कर दिया कि अगर तुम पाप कर्म करोगे तो तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, तब तुम कहीं जाकर मनुष्य बनोगे सारे पाप कर्म भोग कर, ताकि वो डर जाएं। लेकिन इससे कोई डरा नहीं, पाप बढ़ता गया निरंतर। और देखिए, सोचने की बात है कि अगर मनुष्य पाप करके अनेक योनियों में उसका फल भोग के फिर मनुष्य बनता तो उसका मनुष्य जीवन प्रारंभ से ही इस भोग से मुक्त होता, वो बहुत सुखी, बहुत संपन्न, बिल्कुल तन भी अच्छा होता, मन भी अच्छा, कोई समस्याएं नहीं। लेकिन आज तो दिखाई देता है, बच्चे ने जन्म लिया और वो शुगर पेशेंट है, बच्चे ने जन्म लिया और उसको कैंसर है, बच्चा जन्म लेते ही विकलांग है, वो दुखी है। जैसे मैंने पीछे एक माँ तक कहानी सुनाई थी कि बच्चा 6 दिन का हुआ और उसको इंजेक्शन लगने लगे थे, उसको नींद ही नहीं आती थी, तो कितनी बुरी चीज होती है। तो हम ये प्रैक्टिकल मतलब ये जो बात कही गई थी कि मनुष्य 84 लाख योनियों में इसलिए जाता है ताकि वो अपने पाप कर्मों को भोग करके वापस मनुष्य योनि में आए, यानी मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, भोग योनि वो है, मनुष्य सुख है। लेकिन ये ऐसा दिख तो नहीं रहा प्रैक्टिकल में। हम देख रहे हैं कि सब जगह दुख मनुष्य को ज्यादा है। अभी गाय से पूछो उसको दुख है क्या, कुत्ते से पूछो वो दुखी है क्या, हमारे यहाँ चारों बंदर हैं उछल कूद करते रहते हैं वो दुखी हैं क्या, उनको कहीं इंजेक्शन लग रहे हैं क्या, उनको कहीं हाई ब्लड प्रेशर है क्या, नहीं है। भोग योनि तो मनुष्य योनि है, तो एक चीज तो ये स्पष्ट करती है। दूसरी बात एक और है कि देखिए, अगर मनुष्य पाप करके अन्य योनियों में चला जाता तो आज के परिवेश में आप देखो पाप ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है अगला जन्म सबका पशु योनियों में हो जाएगा, तो मनुष्यों की जनसंख्या तो घट जानी चाहिए थी, इधर तो बढ़ती चली जा रही है, दिनों दिन तेजी से बढ़ती आ रही। पिछले 50 साल के आंकड़े देखो, 3 गुनी जनसंख्या हो गई है, पशुओं की संख्या बल्कि कम हो गई है, बैल दिखाई नहीं देते, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को बहुत सारी योजनाएं बनानी, शेर लोप होते जा रहे हैं, चीते नहीं बच रहे हैं, बहुत सारे हिरण दिखाई नहीं देते हैं कहीं, ईगल्स खत्म होती जा रही है, मधुमक्खियां खत्म होती जा रही, तो प्रैक्टिकल ये चीज नहीं है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहूंगा, ये शरीर और आत्मा का ऐसे संबंध है जैसे बीज और पेड़ या पौधा जी। एक तरह का बीज हम बोएंगे उस तरह का पौधा निकलेगा। देखिए, जो किसान हैं वो जानते हैं, चने का बीज डाल दिया तो उसका पौधा अलग तरह का, उसकी लंबाई चौड़ाई अलग, उसका शेप बिल्कुल अलग। गेहूं का बीज डाल दिया वो लंबा चलेगा, ऊपर बाल निकलेगी। जामुन का पेड़ बो दिया, उसके पत्ते अलग होंगे, उसकी रूपरेखा अलग होगी, आम के पेड़ की अलग, नीम के पेड़ की अलग। तो जैसा बीज वैसा वृक्ष। तो ये मनुष्य की आत्मा, ये शरीर वृक्ष है और मनुष्य की आत्मा से वो क्रिएट होता है। गर्भ में शरीर का निर्माण कैसे होता है, केवल माँ बाप के जीन से नहीं, आत्मा की स्थिति से। अगर एक मनुष्य की आत्मा मान लो गाय के गर्भ में चली जाए तो मनुष्य की आत्मा के जो संस्कार हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो गाय के बच्चे की वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी सूक्ष्म गति है, इसको हम विस्तार तो अभी नहीं करेंगे, पर रहस्य यही है कि मनुष्य आत्मा से मनुष्य के शरीर का ही निर्माण और विकास होगा, अन्यों का नहीं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जी, जैसा बीज वैसा फल, वैसा वृक्ष जी। तो एक ये बात है। दूसरी एक बहुत गुह्य चीज़ जो फिलोसोफर्स हैं और जो आचार्य हैं जो इस बात पर चिंतन कर सकते हैं, केवल वो ये ना कहें कि शास्त्रों में लिखा है इसलिए ये सत्य है, तुम ब्रह्मा कुमारियाँ क्या नए नए सिद्धांत निकाल कर ले आए, ये नहीं, इस बात पे चिंतन करें, क्योंकि ये बात स्वयं भगवान ने कही है, ये हमने थोड़ा ही कही, हमें क्या पता था, हम भी तो वही मानते थे जो संसार मानता आ रहा है। इसलिए जो कुछ लिखा है वो ऋषियों ने क्यों लिखा था, उसमें बाद में क्या हेर फेर हो गया, ये भी जानने योग्य है। कोई भी चीज़ जब से हजारों साल पहले लिखी गई थी, तब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तब कागज़ नहीं थे, लोग हाथ से लिखते थे, और अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां जला दी थी। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों को उन्होंने नष्ट कर दिया, क्योंकि वो भारत की संस्कृति को, उसके सत साहित्य को नष्ट करना चाहते थे। दोबारा लोगों ने लिखी, तीसरी बार लिखी, तो वो कागज होता था सड़ गल गया, फिर लोग याद कर लेते थे, फिर पंडितों ने लिखी, इसलिए उसमें कुछ मिक्सचर थी, कुछ परिवर्तन होते आए हैं, ये सभी बुद्धिमान लोगों को स्वीकार करना ही होगा।
तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बहुत अच्छे चिंतक हैं और जो इन चीज़ों के विशेषज्ञ हैं। देखिए, मनुष्य जब देह छोड़ता है उसकी अंतिम स्थिति जो होती है, उसके अंतिम विचार, उसकी अंतिम इच्छाएं, भावनाएं, उसके अनुसार उसको पुनर्जन्म मिलता है। कोई भी मनुष्य जब मर रहा है उसके मन में किसी जानवर की याद नहीं होगी, उसके मन में कोई जानवर बनने की फीलिंग्स नहीं होगी, उसके अंदर वो संस्कार ही नहीं है, क्योंकि अंतमति सोगति, जैसा अंतिम फीलिंग है, जैसे अंतिम विचार हैं, जैसे अंतिम भावनाएं, वैसा ही पुनर्जन्म हो रहा है। इस सिद्धांत से भी, ये सत्य सिद्धांत है, ये एक डीप फिलोसॉफी है, इसे बिल्कुल सिद्ध है, कोई मनुष्य आत्मा पशु योनियों में जाएगी नहीं, क्योंकि किसी की इच्छा ही नहीं है, कोई ऐसा चाहता ही नहीं है, और मन उसकी जो अंतिम इच्छा नहीं है उसके अनुसार कुछ काम होगा नहीं। और ये तो बड़ा शुभ समाचार ही है भ्राता जी कि मनुष्य पशु योनियों में नहीं जाता है। इसे जान करके तो लोगों को बहुत खुश होना चाहिए। मैं तो सोचते थे पता नहीं कुत्ता ना बन जाए, गधा ना बन जाए, बिल्ली ना बन जाए। बिल्कुल, मुझे आपकी बात सुन के याद आ गया एक बार एक सीन। मैं क्लासेज में क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन लोग पूछते हैं, मैं आंसर दिया करता हूँ। तो एक बहुत बड़ी वकीलों की सभा थी, 500-600 वकील बैठे थे और 20 तो मैजिस्ट्रेट थे और कुछ जजेज भी थे। डिस्कस हो रहा था और मैं क्वेश्चंस का आंसर एक एक मिनट में देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस 500 होते हैं और घंटे में हमें पूरा करना होता है। तो वो बार बार कह रहा, जिद कर रहा, नहीं मनुष्य तो पशु बनता ही है। मैंने ये सब तर्क भी उसे दिए, सब लोग तो खुश हो रहे बात सुन के, वकील लोग वाह वाह कर रहे और उसकी मजाक भी उड़ा रहे। फिर आखिर में देख लिया मूड चारों ओर का कैसा है वाइब्रेशन। मैंने कहा, देखो भाई, भगवान तो तुम्हें मनुष्य देवता बनाना आया है, अगर तुम जानवर बनना ही चाहते तो तुम्हारी इच्छा। तब इतने हंसे और वो बेचारा बैठ गया कि हम बनना तो नहीं चाहते। अरे बनना नहीं चाहते तो बनोगे क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो बहुत ही खुशी की सचमुच बात है कि परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दे दिया कि नहीं तो मनुष्य से देवता बनने की ओर चलो, मनुष्य से पशुत्व की ओर क्यों जाना चाहते हैं। मनुष्य तो पशु पहले ही बन चुका है और इससे ज्यादा पशु बन के क्या करेंगे। तो वास्तव में सत्य यही है कि मनुष्य पशु योनियों में नहीं जाता, उसके आचरण पशु जैसे बन जाते हैं। बिल्कुल प्रताप जी, हमारे पास जो एक SMS आया था उसमें हमारे एक भाई है, वो कहते हैं एक्सीलेंट प्रोग्राम, समाधान के लिए कहते हैं प्लीज रिमूव द डिप्रेसिव पिक्चर ऑफ द बिग डिप्रेस्ड फेस ऑफ मैन ऑन लेफ्ट appearing behind you on screen, शायद इनके बारे में। You may show it in a small size. It gives negative vibrations to the viewer. बिल्कुल रमेश जी, हम ये जो सज्जन है मेरे पीछे, मैं तो नहीं देख पाता राधा जी। नहीं, मैं इन्हें देखता हूँ, इनका रोता हुआ चेहरा सच में नेगेटिव वाइब्रेशंस वाइब्रेट करता है। तो हम थोड़ा सा इसको छोटा भी करेंगे और इसको चेंज भी करने के लिए आग्रह करेंगे, क्योंकि वाइब्रेशंस ही मनुष्य पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं। और जब वो हमें देखते हैं तो हमारे पीछे जो कुछ है वो भी उन्हें दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि कहीं उनके जीवन में भी तो समस्याएं नहीं है। हमें तो ये आभास देना है सबको कि नहीं, सभी प्रसन्न हैं, खुशहाल हैं, समस्याओं से मुक्त हैं, भगवान के बच्चे हैं। वास्तव में भ्राता जी, कार्यक्रम के अनुसार इसकी शायद शुरुआत की गई थी कि मैं जिधर बैठा हूं तो मैं समस्याओं को आपके सम्मुख रखता हूं और आप जहां बैठे हैं वो सब समाधान युक्त हैं। तो समस्याओं से जुड़े हुए चेहरे संभवतः ऐसे ही होते हैं। और अब तो लगता है कि शायद इतने एपिसोड हमने कर लिए तो इनके चेहरे में थोड़ी तो रौनक आ जानी चाहिए, और जरूर पेंटर से कहेंगे कि इनके चेहरे थोड़े बदल दे और इनमें भी रौनक आ जाए तो हमारे प्रोग्राम में भी और अच्छी रौनक आ जाएगी। बिल्कुल, और जब तक ये परिवर्तन नहीं होता तब तक चाहेंगे कि आप हमारे हंसमुख चेहरे को देख लिया करें, निश्चित रूप से इनमें भी परिवर्तन लाया जाएगा। प्रताप जी, अगले मेल की ओर आपको लिए चलता हूँ। सुप्रिया जी लिखती हैं और ये कहती हैं कि नमस्ते, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मुझे ट्रैवलिंग करने में भी बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। जब कभी घर का कोई सदस्य घर से बाहर जाता है तो मेरे मन में ये विचार आता है कि कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए। और बार बार जब आप ये कार्यक्रम इस कार्यक्रम में कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है, तो मैं और ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मुझे ये जो विचार आते हैं कभी कहीं ऐसा हो ना जाए। तो कृपया ये जो नेगेटिव विचार मेरे मन में आता है इसे दूर करने का कोई उपाय बताएं। सुप्रिया जी, हाँ देखिए, सुप्रिया जी को मैं कहूँगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है, इससे पावरफुल फिलोसोफी को वो जान के रखें कि जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसको हम क्रिएट करते हैं जी। उसका हम आह्वान करते हैं। तो ये बात जानकर भी अपने संकल्पों को ठीक करें ना,
क्यों ये वश हो गई है नेगेटिव सोचने के, इनका भाई घर से बाहर जा रहा है बाइक पे, ये क्यों नहीं सोचती कि उसके साथ तो भगवान है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना डर, इतना भय, या पास्ट के जन्मों की, जैसे आप बार बार कहते हैं, कोई ऐसी घटना घर कर गई हो कि अननोविंगली वो चीज़ें बाहर आई जाती हैं कि शायद ऐसा ना हो जाए, शायद ऐसा। मैं नोविंगली तो ये संकल्प नहीं करती, अननोविंगली सबकॉन्शियस माइंड इनको ये करना है जी कि ये एक कागज पर दो खाने बनाए और एक में सारे दिन के उन संकल्पों को लिखे जो निगेटिव संकल्प इन्हें आ रहे हैं, क्योंकि ये इनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इन्हें अपने निगेटिव संकल्पों का पता है, इन्हें अवेयरनेस है, सी इज अवेयर ऑफ अ निगेटिव थिंग्स, निगेटिव फीलिंग्स। तो वो 10 तरह के संकल्प लिखे कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो ये निगेटिव संकल्प आता है, घर से कोई बाहर जाता है तो ये निगेटिव संकल्प आता है, मैं ट्रेन में बैठती हूँ तो ये निगेटिव संकल्प आता है। तो 10 लिखे और उसमें ये खुद होमवर्क करे कि इसकी जगह मैं पॉजिटिव संकल्प क्या करूं, तो 10 इसके पास पॉजिटिव संकल्प हो जाएंगे और फिर ये उनकी प्रैक्टिस करें। घर से कोई बाहर जा रहा है तो ये सुंदर विचार करें, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, मान लो इनका पति ऑफिस जा रहा है और वो बैग उठाकर बस में उसको जाना है, 1 घंटे की ड्राइव है, और ये सोच रहे कहीं बस का एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ये लिखे कि मैंने निगेटिव संकल्प किया कि कहीं बस का एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे पति को कुछ हो ना जाए। अब ये इसकी जगह पॉजिटिव संकल्प लिखेगी कि नहीं, मेरा पति तो बहुत अच्छी आत्मा है, वो तो श्रेष्ठ भाग्य को लेकर जन्मा है, जिस बस में वो बैठेगा अगर एक्सीडेंट होने वाला भी होगा वो भी रुक जाएगा, ये संकल्प करें, मेरा पति बिल्कुल सुरक्षित वापिस आएगा। तो ऐसे ये एक होमवर्क करें, इसके लिए ये स्टडी भी कर ले, हमारे पास ईश्वरीय ज्ञान की बहुत पुस्तकें हैं, उनको ये ले ले, उससे इनको अच्छे थॉट्स मिलेंगे। क्या सोचना चाहिए इसका लोगों को पता नहीं है एक्चुअली, तो एक भंडार मिल जाएगा ज्ञान का और फिर ये प्रैक्टिस करेंगी तो इनकी नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव में बदल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब एक प्रैक्टिस की बात है व्रता जी, नेगेटिव आ रहे हैं तो उसको छोड़ा ना जाए, लेकिन उसकी जगह कुछ अच्छे विचार लिए जाएं ताकि प्रैक्टिस करते करते वो अच्छे विचारों की आदि हो जाए। व्रता जी, एक जो हमारे पास प्रश्न आया था फोन के माध्यम से, इसमें ये कहते हैं कि 3 महीने पहले एक वकील बहन सेवा केंद्र पर आई, उनके माता पिता नहीं हैं, छोटी बहन BSc कर रही है, उसे ठीक से पालने के लिए इस वकील बहन ने शादी नहीं की, अब ये छोटी बहन उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देती, बात नहीं मानती, तो ये दुखी रहती हैं, साथ ही अपनी अलग ऑफिस इन्होंने खोली है लेकिन इनके पास कोई भी केस नहीं आता है, जिससे आर्थिक रूप से ये परेशान रहती हैं, तो कृपया बताएं कि ये क्या करें जो बहन भी बात माने, रिस्पेक्ट दे और क्लाइंट्स भी इनके पास आए ताकि आर्थिक तंगी ना हो। ये चंद्रपुर से शायद हमारी किसी ब्रह्मा कुमारी बहन ने भेजा है। देखिए, इनकी सिचुएशन तो बिल्कुल एक यथार्थ चीज है कि अपनी छोटी बहन के लिए इन्होंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, शादी भी नहीं की और एक ये प्रोफेशन में लग गई वकालत के, तो ये जरूर एक्सपेक्ट करेगी कि जिसके लिए मैंने इतना त्याग किया वो योग्य भी बने और मेरे इस उपकार को रियलाइज भी करे, कम से कम कृतज्ञ तो हो, कृतघ्न न हो तो कम से कम अच्छा परफॉर्म करे और रेस्पेक्ट तो करे, मैं उनके लिए माँ की तरह हूँ और उनकी हर तरह से पालना कर रही हूँ, लेकिन इनको बहुत अच्छा करना है। देखिए, एक तो ये बहुत जरूरी है इनके पास क्लाइंट्स आए ताकि इनको इनकम आर्थिक परेशानी ना हो और ये बहुत अच्छा कर पाए, इसके लिए इन्हें कुछ अच्छे थॉट्स करने हैं। एक तो जो मैं सिखाता हूँ सदैव, सवेरे उठकर 10 मिनट ही अच्छा चिंतन करेंगी और उस चिंतन को ये इस तरह रूप दें, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ, आई एम मोस्ट फॉर्चुनेट इन द वर्ल्ड, मैं तो भगवान की संतान हूँ, उससे मुझे सफलता का वरदान प्राप्त हुआ है। ये रोज ऐसा करें कि बाबा के सामने लाएं अपने को और फील करें बाबा मस्तक पर तिलक लगा रहा है और वरदान दे रहा है, बच्ची सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये इस वरदान को स्वीकार कर लें और जब ये अपने कर्म क्षेत्र पर उतरें, इस वरदान के साथ अपने ऑफिस में बैठें कि आज मेरे पास कई क्लाइंट्स आएंगे, तो सवेरे उठ के ये अपने अंदर ये संकल्प भरेंगी, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने स्वमान को बढ़ाएं
तो सम्मान इन्हें मिलता चलेगा। छोटी बहन के लिए जो इनके मन में एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो ठीक हैं, परंतु थोड़ी देर के लिए ये अपनी एक्सपेक्टेशंस को समाप्त कर दें, निष्काम हो जाएं कि बड़ी होने के नाते मेरा ये परम कर्तव्य है कि मैं अपनी छोटी बहन की पालना करूं, उन्हें सस्टेन करूं, उनकी हर तरह से मदद करूं, उन्हें कोई कमी ना होने दूं, ये मेरा कर्तव्य है। उसका कर्तव्य वो कितना करती है इसको थोड़ा सा भूल जाएं। तो इससे इनको जो निगेटिव फीलिंग्स होती है, क्योंकि इनको बहुत संकल्प चलते होंगे, इससे निगेटिव एनर्जी इनके चारों ओर फैलती है और इसका इफेक्ट इनके प्रोफेशन पर पड़ता है। तो ये जब ऑफिस में बैठें तो बहुत अच्छा अभ्यास करें, मैं एक महान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की छत्र छाया मेरे ऊपर है और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये प्रैक्टिस रोज करेंगे तो निश्चित रूप से इनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा, इनको सफलता मिलेगी और इनकी छोटी बहन के एटीट्यूड भी इनके लिए बदल जाएंगे। बिल्कुल, हम कामना करते हैं कि जल्दी ही इनकी सारी परिस्थितियां, चाहे वो आर्थिक हैं, पारिवारिक हैं, दूर हों। भ्राता जी, आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जीवन है तो परिस्थितियाँ, परेशानियाँ, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत हो, आती ही रहती हैं। लेकिन जैसे भ्राता जी ने आज कहा, हम अपने विचारों में परिवर्तन लाएं। यदि विचारों में परिवर्तन ले आया जाए और साथ ही कुछ सुंदर आध्यात्मिक अभ्यास कर लिए जाएं, तो अनेकों के ऐसे अनुभव हैं कि जीवन से समस्याएँ रफू चक्कर हो जाती हैं, 9-2-11 हो जाती हैं। हम यही चाहते हैं कि आपके जीवन से भी समस्याएँ 9-2-11 हो जाएँ, आपका जीवन समाधान से युक्त हो जाए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका जीवन खुशहाली से, शांति से और साथ ही शक्ति से संपन्न हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।